तुम्हें क्या करना चाहिए, एक्स की जगह सबसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ है ना, क्या एक्स इक्वल टू वन प्लस एच रख दो, ठीक है सर, उसे सब स्टैंडर्ड लिमिट बन जाती है और एक्स इक्वल टू वन प्लस एच करके लिख दिया, ठीक है सर, तो कितना आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ऊपर कितना आ जाएगा वन प्लस एच का स्क्वायर प्लस आ जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस एच प्लस आ जाएगा बी डिवाइडेड बाय, तो यहां कितना आएगा टू माइनस वन माइनस एच, कितना एल एन वन माइनस एच आ जाएगा का स्क्वायर, ठीक है ना, तो एल एन वन प्लस थीटा, ठीक है ना, एल एन वन प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, एल एन वन प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, तो वाली चीज कितनी आ जाएगी वन, ठीक है सर। अच्छा एच स्क्वायर आ रहा है नीचे, अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर एक ऊपर क्वाड्रेटिक दे रखा है, ठीक है सर, नीचे एच स्क्वायर दे रखा है, एच जीरो जा रहा है, तो ऊपर अगर पहले क्या है ऊपर क्वाड्रेटिक सजा लेते हैं ना, सजा ही लेते हैं, तो एच स्क्वायर आ रहा है ऊपर, ठीक है सर, और एच मल्टीप्लाइड बाय आ रहा है टू प्लस ए, और एब्सोल्यूट टर्म आ रहा है वन प्लस ए प्लस बी, वन प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अब इसमें मान लो अगर ये वाला टर्म जीरो नहीं हुआ, ठीक है ना, ये जीरो नहीं हुआ तो क्या आ जाएगा, कुछ फाइनाइट नंबर आएगा, फाइनाइट डिवाइडेड बाय जीरो कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, वो दे नहीं रखा है इन्होंने, बोला ना लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा मान लो ये जीरो नहीं हुआ, ठीक है ना, ये जीरो नहीं हुआ तो एच अपॉन एच स्क्वायर कितना आएगा वन बाय एच, फाइनाइट अपॉन एच कितना आ जाएगा वापस इनफाइनाइट, तो इन दोनों को जो है जीरो होना पड़ेगा, किसको, एब्सोल्यूट टर्म को जीरो होना पड़ेगा, कोफिशियंट ऑफ लीनियर को जीरो होना पड़ेगा, और एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर तो कितना आ जाएगा वन, तो लिमिट का वैल्यू तो वन आ रहा है, ए माइनस टू आ रहा है और बी कितना आ रहा है वन, ठीक है ना, लिख दो बी इज इक्वल टू वन ए माइनस टू और लिमिट का वैल्यू वन, ठीक है।